में देखी है मेरी, मगर मिक्स किया सर हमेशा, मतलब लास्ट ईयर निखिल अडवाणी जी के लिए मैंने वो वजीर खान किया था एम्पायर में, पॉजिटिव रोल. तो मिक्स बैग ऑफ फिल्म्स हैव डन एंड मोर नेगेटिव देन पॉजिटिव. बट इसमें सर एक पेट्रियार्चिकल हेड है वो एक फैमिली का, दलजीत, और कहानी में वो आता कहाँ है, एक ऐसा मोड़ है सर, एक हैपनिंग होगी जहाँ पे जो इस कहानी का मुख्य मतलब जो किरदार कर रहे हैं वो कैरेक्टर को ये मिलेंगे एक मोड़ पे जहाँ उस कैरेक्टर को इनकी ज़रूरत है और वहाँ ये उनको सपोर्ट करते हैं एज लाइक अ मेंटोर. और वहाँ से कुछ इनकी और उस कैरेक्टर की जर्नी है, हाउ ही टेक्स अ पर्सन अंडर द विंग, और फिर एक मुकाम पे आके वो उनके जो रास्ते हैं अलग अलग हो जाएंगे, वो फिल्म देखने पे आपको पता लगेगा. सर नहीं, सरदार का रोल है कई बार किया हूँ, और मैं पंजाबी स्पीकिंग हाउस होल्ड से हूँ, पंजाबी हूँ, तो खाली दाढ़ी जो बढ़ाई है वही है सर जो भी किया है, बाकी इट वाज स्पॉन्टेनियस व्हाटएवर आउट ऑफ. जी ये थोड़ा मेरी अपनी एक स्कूलिंग है कि लगभग जितनी फिल्में करी हैं फादर का रोल किया है, लेकिन फादर रोल जो होता है वो कैरेक्टर नहीं होता है, फादर तो एक रिलेशन है. अब करेक्टर बनता है करेक्टरिस्टिक से. तो कभी कभी क्या होता है एक ही लाइंस होती हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स की, करेक्टर की, तो उसको थोड़ा अलहदा करना, अलग करना, वो एक्टर का काम है. वो हमारी थोड़ा से ढूंढ लेता हूँ, कुछ अलग करता हूँ, इसीलिए आप लोग कहते हैं कि थोड़ा अलग है. तो एक लाइन होते हुए भी, एक साइकी होते हुए भी थोड़ा अलग करने की मैं जद्दोजहद में लगा रहता हूँ, और उसमें शायद कभी कभी सफल हो जाता हूँ, बल्कि ज़्यादातर सफल हो जाता हूँ. तो इसमें भी यही है कि एक फादर हूँ मैं, समीक्षा जो करेक्टर कर रही हूँ उसका फादर हूँ. और उसमें हमारे डायरेक्टर की डिमांड थी कि थोड़ा ह्यूमरस भी हो, तो उसमें थोड़ा से घुमा फिरा के कहीं से कुछ कुछ एक थिन लाइन के जो एक वो होता है खाका, उसके अंदर रह के लिमिट्स में रह के जितना कर सका किया, तो वो एक अलग हो गया. तो अलग तो है सबसे, और शायद आपको अच्छा भी लगेगा. राहुल, अब तक कई पात्र निभाए आपने, ऑफकोर्स एक्टर एक्टर ही होता है, वेदर ही इज डूइंग ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, लेकिन पर्सनली यू लाइक पोर्ट्रेइंग नेगेटिव कैरेक्टर्स या पॉजिटिव? वेंकटेश जी, क्या हाल है आपका? सर बस ऐसा है, मैं ऐसे देखता नहीं हूँ कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे नहीं देखता हूँ मैं. एक पात्र को पात्र की तरह देखता हूँ, एक रोल है, खाली उसमें यह देखता हूँ कि भाई परफॉर्मेंस का क्या स्कोप है, विद इन द स्टोरी उसका क्या स्कोप है, उस कैरेक्टर का क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उस स्टोरी को. तो वहाँ मुझे लगा कि जो ये कैरेक्टर है बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करता है इस कहानी को, क्योंकि एक मेंटोरशिप है, एक जो फाइनली एक कहानी का आप कह सकते हैं कि एक प्रोटैगनिस्ट, अगर इस कहानी का कोई कहें तो जो वो प्रोटैगनिस्ट है और उसका एक मित्र है, जो कि एक छुटपन में कहीं जाके आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जहाँ उन्हें दिशा चाहिए तो वो किस किस्म को, जो उसको एक तजर्बा है दिशा का है, जो उसको लगता है सही है वो आगे वो शेयर करता है. तो पर्सनली मेरे लिए सर यही इम्पोर्टेंट रहता है कि व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग दैट कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ जो स्क्रीन प्ले है उसके दायरे में, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कहानी को, और फिर उसको कैसे दिलचस्प बनाया जाए, कितना इंटरेस्टिंगली आप उसे पेश कर सको. दैट्स व्हाट आई लुक एट, नॉट अ नेगेटिव, वो दिस इज नेगेटिव कैरेक्टर, दिस इज पॉजिटिव, नॉट लाइक. अनुभव तो बहुत अच्छा था, बट बस यही कहना चाहूँगा दिक्कतें आती हैं, बट
आपको फेस करनी होती है और एंड प्रोडक्ट बनाना होता है. हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाई है और यही बोलना चाहूँगा कि मूवी देखिए आप. बहुत इट्स लाइक अ लेबर ऑफ लव फॉर अस. दैट्स ऑल. मेरा किरदार का नाम है मेघना और इस फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैं फर्स्ट टाइम फ्रॉम द एज ऑफ 25 टू 50 और मे बी 55 दैट इज अ जर्नी ऑफ मेघना. लाइक ऑल द एक्टर्स जो भी कैरेक्टर्स हैं इसमें हमारी पूरी एक एज की जर्नी है. सो विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल जो मैंने पहले नहीं किया है. और मेघना एक बहुत ही एक स्वीट लड़की है और शादी होती है. बहुत सारे रिलेशन उसने उसके एक फादर के साथ एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है. फिर उसकी शादी होती है हस्बैंड के साथ. फैमिली को किस तरीके से बनाने में या किस तरीके से उसका क्या इम्पोर्टेंस है. तो मेघना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द फिल्म और बड़े सारे लेयर्स हैं आई वुड से. कई बार वो आपको लग जब हम एज ए ऑडियंस किसी कैरेक्टर को देखते हैं तो बहुत प्यार भी आता है कि हाँ वेरी पॉजिटिव एंड बहुत अच्छा. बट समटाइम्स किसी मे बी कोई एक पॉइंट पे कि यार ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों है, क्योंकि उस वक्त जो वो कैरेक्टर देख पा रहा है वो पूरी फिल्म का नैरेटिव ही चेंज कर देता है. सो मेघना के साथ भी बहुत सारे उतार व चढ़ाव हुए हैं फिल्म के अंदर. एंड या इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फिल्म. फैमिली रिलेशंस के ऊपर, फैमिली वैल्यूज के ऊपर है. सो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को बहुत पसंद आएगी. सवाल डायरेक्टर साहब से इस टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या, शीर्षक का? जैसा कि नाम है धूप छांव. क्या फिल्म फैमिली फिल्म है और इस फिल्म में लाइफ के बहुत सारे आपके शेड्स होते हैं, हैप्पी शेड्स होते हैं, सैड शेड्स होते हैं. लाइफ में भी आप हमेशा देखोगे लाइट एंड एक लाइट का और डार्क का दोनों का इक्वेशन होता है. तो अपने हमारी फिल्म में चूँकि फैमिली इंटरटेनमेंट फिल्म है और इसमें फैमिली के वैल्यूज़ है, फैमिली का सारे किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि इमोशनल अटैचमेंट है उनका. तो उनके लाइफ में जो शेड्स होते हैं, कभी धूप होता है, कभी छांव होता है, कभी अच्छे मोमेंट होते हैं, कभी बुरे मोमेंट होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उनके इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए यह टाइटल रखा गया है, धूप छांव. कहाँ का शूट किया आपने फिल्म? ये हरियाणा में लगभग गुड़गांव में किया है हमने शूट, फरीदाबाद में किया हुआ है, कुछ दिल्ली के कुछ पार्ट में किया हुआ है. मतलब बेसिकली पूरी फिल्म हरियाणा में की गई है. हरियाणा की फिल्म सिटी में आपने कुछ किया था? नहीं नहीं, हरियाणा के फिल्म सिटी में नहीं किया है, क्योंकि जो लोकेशंस वगैरह थे फिल्म की वो जहाँ पर सूटेबल लगा वहाँ पर किया हमने. मेरा सवाल एम से है, देख पा रहे? जी बिल्कुल. ये फिल्म स्किप में है, आपको क्या लगा कि ये मुझे करनी ही चाहिए? क्या विशेष आपको आकर्षित किया? कैसे आप कैरेक्टर आपका चयन की प्रक्रिया क्या? गुड इवनिंग एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म जब आप देखेंगे तो एहसास दिलाएगा कि इस तरह की फिल्में आजकल बहुत कम बनती हैं जहाँ पे बात रिलेशनशिप की हो, जो कि अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है. तो ये पूरी तरह से फैमिली वैल्यूज़, रिलेशनशिप, उसके अराउंड बात करती है फिल्म. आजकल क्राइम थ्रिलर जॉनरा है आमतौर पे, उस तरह के सब्जेक्ट्स बहुत देखने को मिलते हैं और इस तरह का सब्जेक्ट कहीं छूट सा गया है. तो ये बेसिकली एसेंशियली फैमिली वैल्यूज़, रिलेशनशिप, उसमें जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसके बारे में. इसलिए टाइटल भी धूप छांव, एक परिवार के, एक इंसान की लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं. तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत एक सूदिंग सा सब्जेक्ट है, जो वापस जो मैं ये नहीं कहूँगा फिलोसॉफिकल या प्रीची होने की ज़रूरत नहीं, बट फैमिली वैल्यूज़ कहीं ना कहीं हम खो चुके हैं परिस्थितियों की वजह से, हर कोई इधर उधर है. तो एक वापस उसकी तरफ एक याद, प्यारा सा एक प्यारी सी याद दिलाएगी ये फिल्म के बारे में. मुझे इसका ये सब्जेक्ट बहुत अपीलिंग लगा. आपने क्या कैरेक्टर के बारे में पूछा था मुझसे? मेरा कैरेक्टर बहुत सिंपल प्यारा सा लड़का है. बहुत मैं इसमें लेयर्स है, डायनामिक्स नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि इस कैरेक्टर का जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो सेंस ऑफ लॉस जो एक पूरी कहानी में आता है,
जो कॉन्फ्लिक्ट आता है जिसकी वजह से चीजें ऊपर से नीचे हो जाती हैं, एकदम उथल पुथल हो जाती हैं, उसके लिए इस किरदार का बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा वॉर्म्थ इससे आना जरूरी था। तो मेरे लिए वही चैलेंजिंग था कि ये इस कैरेक्टर से बहुत पॉजिटिविटी आए, हैप्पी गो लकी, वेरी वॉर्म, वेरी प्लेजेंट इसका अपील होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो इसके साथ होता है वो ऑडियंस को और ज़्यादा उससे जोड़ेगी, ये वजह थी, ये मेरा गोल था, अचीव करना चाहता इस रोल के माध्यम से इसको। समाज के लिए संदेश ये है कि आप अपने परिवार से जो एक जुड़ाव होता है वो अगर ये फिल्म देखकर आपको कहीं से भी एक जुड़ाव जो आपका थोड़ा कम हो चुका है अगर ज़्यादा हो जाता है या जुड़ाव का फील भी आ जाता है कि फैमिली से जुड़कर रहना चाहिए और असली जो आपके ज़िंदगी का मकसद होता है एक बॉन्डिंग होती है पूरी फैमिली की, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर ले रहे हो, कुछ भी सक्सेस पा रहे हो, जैसे इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा कि आपने अचीवमेंट तो किया सब कुछ लेकिन अगर परिवार साथ में हो जाए तो उस अचीवमेंट के मायने बढ़ जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि फिल्म में विजुअली हम कुछ लोगों के अंदर ये देखने के बाद थोड़ी अगर इच्छा जाग जाती है कि यार फैमिली जो है सच में रहना साथ में बहुत ही ज़रूरी है, तो हमारा थोड़ा सा जो कोशिश है वो लगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अचीव किया है।